कभी कभी नौजवानों की जिंदगी में कठिनाई आती है। सुबह अगर किसी क्रिकेटर के अखबार में फोटो देख ली, उसकी बड़ी वाहवाही हुई देख ली, तो मन करता है यार क्रिकेटर बनना अच्छा होगा। दोपहर को किसी टीवी चैनल पर किसी फिल्मी कलाकार का नाम रोशन दिखता रहे तो मन करता है यार ये अच्छा है। शाम को किसी डॉक्टर ने बहुत अच्छा काम किया है देख लिया तो मन करता है यार ये अच्छा है। यानी कई नौजवान मिलेंगे आपको, हफ्ते में 3 नई योजनाएं बताएंगे और आप भी परेशान हो गए यार। पिछले हफ्ते तो कह रहा था कि मुझे बिजनेसमैन बनना है और इस हफ्ते कह रहा है नहीं मुझे तो पॉलिटिशियन बनना है। मित्रों ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिनकी इच्छाएं रोज जन्म लेती है और ज्यादातर इच्छाओं का बाल मृत्यु हो जाता है। और मित्रों कुछ लोग होते हैं जिनकी इच्छाएं रोज बदलती रहती है और जब इच्छाएं रोज बदलती रहती है तो आपके साथी आपको क्या कहते हैं, आपको यही कहेंगे यार छोड़ो तो बड़ा तरंगी है वो, सुबह शाम नई नई चीजें सोचता रहता है, वो बेकार है यार, वो तो ऐसे ही पटक पाते ऐसे कैसे ही होता है ना। और इसलिए मित्रों आवश्यक है और कोशिश करनी चाहिए, इच्छा बुरी चीज नहीं है लेकिन इच्छाओं को बदलते रहना बुरी चीज है। इच्छाएं स्थिर होनी चाहिए और अगर इच्छा स्थिर है तो संकल्प बनती है और संकल्प में जब परिश्रम जुड़ता है तो सिद्धि बन जाती है। और इसलिए इच्छा प्लस स्थिरता इज इक्वल टू संकल्प, संकल्प प्लस परिश्रम इज इक्वल टू सिद्धि। इस छोटे से अर्थ एलजेब्रा के समीकरण को लेकर के हम जिंदगी को बनाने की कोशिश करेंगे तो मैं मानता हूं मित्रों कि हम जीवन में कभी विफल नहीं हो सकते।